देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी के आला कमान के साथ उनकी बैठक है। जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति और समीकरण पर किस तरीके से बदलाव होगा और आगे क्या काम करना है, तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और बीजेपी के साथ उनकी बड़ी बैठक है और इस बैठक में बिहार के लिए कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक हवा लगा और आग के तरह वह बातें फैल गई जब तेजस्वी यादव ने चुनावी मुद्दे के दौरान उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि सीएम नीतीश कुमार 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये बयान के बाद अब राजनीतिक महकमे में हलचल मच गई और तेजी से आग के तरह यह खबर फैलने लगी कि क्या वाकई में सीएम नीतीश कुमार 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे। अगर बड़ा फैसला लेते हैं तो वो क्या फैसला होगा, बिहार के हित के लिए क्या फैसला ले सकते हैं, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। वोटिंग प्रक्रिया जिस तरीके से अब एग्जिट पोल निकाली जा रही है तरह तरह के कि बीजेपी के खाते में कितना जाएगा, एनडीए के खाते में, मतलब INDI गठबंधन के खाते में कितनी सीट जाएगी, तमाम तरह की बातें चल रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, बैठक होगी, बीजेपी का सबसे बड़ा बैठक है, उस बैठक में शामिल होंगे। अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उनका स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ चल रही थी, जिस तरीके से बीजेपी अब सोचेगी उन्हें दिल्ली बैठाया जाए, क्योंकि देखिए आने वाले अब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव की तैयारी जोर शोर से पार्टी लग चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ताकत फूके गए थे और कहीं ना कहीं बिहार में अगर समीकरण बदलती है तो वो विधानसभा का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा बिहार के लिए। एक और तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनावी मुद्दे में रणनीति तैयार कर रहे थे, विपक्ष पर हमलावर हो रहे थे, सरकार को आड़े हाथ ले रहे थे, ठीक उसी तरीके से बीजेपी अपने एजेंडाओं पर काम कर रही थी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा का चुनाव है, अब देखना होगा कि बिहार में फेस वैल्यू किसका होता है। देखिए, बड़ा फैसला अगर सीएम नीतीश कुमार लेते हैं तो वो क्या बड़ा फैसला होगा, वो सभी की नज़रें वहाँ टिकी हुई है। दिल्ली में बैठक होने वाली है, रवाना हो चुके हैं पटना से सीएम नीतीश कुमार, और इस बड़ी बैठक में क्या निकल कर सामने आएगी उस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर जो सामने आ रही है अंदर खाने से कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अगला उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। जदयू खेमे से अगर इस तरीके से चर्चाएँ और जिस तरीके से विपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया, उस सवाल के कई मायने निकलते हैं और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय और फैसला और क्या एजेंडाएँ तैयार किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी।